सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुंतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। तो फिर मैं तुम्हें मार देता हूँ। मैं मार दूंगा तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। छोड़ दो इन्हें। तो क्या वो मर गया? नहीं, वो भी मरा नहीं है, जिंदा है। आलिया जिंदान में है। आप चल सकते हैं, मुझे मालूम था। ये सब आपकी अदाकारी है, मुझे मालूम था बाबा, मुझे मालूम था। गोया उनकी दाढ़ी के नीचे एक और दाढ़ी थी। इसका मतलब उन्होंने मस्नूई दाढ़ी लगा रखी थी। जी हाँ। मेसन लॉज का एक रुकन मेहाल इसकाई का भतीजा तहसीन पाशाह के हाथ में लिखा था कि मेहाल नामी मेसन रुकन को सलानिक में गिरफ्तार कर लिया गया है, यानी अब्दुल हमीद भी उनको जानता है। ये सब क्या हो रहा है बाबा? ये मेरी वसीयत है। आम लोगों की तरह मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। मेरी वसीयत इस लिफाफे में है। अगर मेरे मरने से पहले तुमने इस लिफाफे को खोला तो अपना हक मुआफ नहीं करूंगा। बाबा, मुझे वाज़े तौर पर बताएं कि क्या मसला है, क्या होने वाला है। तुम जान जाओगे। अगर मेरे मरने से पहले तुमने ये चाबी इसे दे दी तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बेफिक्र रहिए पाशा, ऐसा नहीं होगा। चलो चले। बताइए हमें, आप क्यों इस तरह रो रही हैं आलिया? जिंदान में मौजूद शख्स कौन है और आपका उस शख्स से क्या ताल्लुक है? फातिमा, आप ही कुछ बताइए हमें। आलिया इतनी रंजीदा क्यों है? जिंदान में मौजूद शख्स कौन है? आलिया का उस शख्स से क्या ताल्लुक है? और आप जख्मी कैसे हो गई? आलिया गलत सोहबत का शिकार हो गई हैं, इसीलिए आज तकलीफ में है और हमें उस शख्स को आलिया से दूर रखने की कोशिश में ये जख्म आया। वो जिंदान में मौजूद शख्स, क्या उसने आलिया को भी नुकसान पहुंचाया है? पहुंचाने वाला था, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। अल्लाह का शुक्र है। नाइम, अगर आपको बुरा न लगे तो हम आलिया से तन्हाई में कुछ बात करना चाहते हैं। क्यों नहीं, जरूर कीजिए। शुक्रिया। आलिया, आप इस वक्त तकलीफ में हैं, हम जानते हैं, लेकिन ये वक्त गुजर जाएगा, आप सब कुछ भूल जाएंगी, हमारा यकीन कीजिए। आपका यकीन करें? कभी नहीं करेंगे हम। आलिया, आपने हमारा ताक़ुब किया, हमारी ज़ाती चीज़ों की तलाशी ली आपने, हमें मिलने वाले खत पढ़े और हमें नींद की दवा दे दी। तो हम क्या करते? क्या हम आपको उस मक्कार शख्स के साथ भागने देते? हमारे मामले में मदाखलत करने का हक नहीं है आपको। हमें लगता था कि आप समझ जाएंगी कि वो शख्स इतना खतरनाक है कि उसने आपकी बहन को मारने की कोशिश की, लेकिन शायद हम गलत थे। आप झूठ बोल रही हैं। तो क्या ये भी झूठ है आलिया? हाँ, हमारे लिबास पर लगा खून हमारा ही था। शायद आपने हमें कायल करने के लिए खुद ही जख्म लगा लिया। आप होश खो बैठी हैं अपने। हम अपने होश में हैं, आप हमें नहीं रोक सकती। स्टेफानो और हमें आप किसी सूरत जुदा नहीं कर सकती हैं। हम सुन चुके हैं, आपने जिंदान में जाने की कोशिश की और हमें लगता है कि आप दोबारा ऐसा करेंगी। हाँ, पास नहीं आने वाले हम। तो फिर आप हमेशा इसी कमरे में कैद रहेंगी। आप ऐसा नहीं कर सकती, आपने हमें मजबूर किया है। नहीं, रुकिए बाजी, दरवाजा खोले। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती है। बाजी, बाजी। खुश आमदीद अशरफ भाई। अली उस्मान, मेरे बच्चे। तुम्हारे साथ ये सब किसने किया? ये सब क्या हो गया? क्या तुम जानते हो, तुम बिल्कुल मेरी बहन की तरह दिखते हो, खूबसूरत, मासूम, बिल्कुल अपनी वालिदा की तरह। खाला है इसकी। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। देखो, पसंद आया तुम्हें? क्या हम मिलकर खेलें इसके साथ? जानती थी तुम्हें ये पसंद आएगा। قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم वला तुस्अलूना अम्मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल-फातिहा। आमीन आमीन। अल्लाह आपका भला करे इस्माइल अख्ती साहब, आपने बहुत खूबसूरत अंदाज में कुरान की तिलावत की। अल्लाह आपका भी भला करे। हम एक मुबारक महीना गुजार रहे हैं। आज हमने मिलकर कुरान पाक पढ़ा। इंशाअल्लाह रमज़ान ख़त्म होने तक कुरान शरीफ मुकम्मल कर लेंगे। इंशाअल्लाह। सुल्तान मुअज़्ज़म, रजब का मुबारक महीना गुजर चुका है और शाबान का महीना शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रजब शरीफ अल्लाह का महीना है और शाबान शरीफ मेरा महीना है, और इसी तरह से रमज़ान शरीफ मेरी उम्मत का महीना है। ये 3 माह इतने मुकद्दस और मुबारक हैं कि अल्लाह पाक ने अपनी 5 मुबारक रातों में से 4 इन्हीं 3 महीनों में रखी हैं। सबसे पहले शब रगाइब आती है, उसके बाद हुजूर अकरम की मिराज की निस्बत से शबे मिराज आती है, उसके बाद शबे बरात, और फिर सबसे आखिर में रमज़ान शरीफ के आखिरी अशरे में पोशीदा शबे कदर की मुबारक घड़ियाँ आती हैं। हमें इन 3 माह में ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करनी चाहिए। शबे रगाइब और शबे मिराज गुजर चुकी हैं, अगले हफ्ते शबे बरात है। हमें इन मुबारक रातों में ख़ास दुआएँ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें आखिरत में अपना नाम अमाल दाहिने हाथ में पकड़ने वालों में उठाए। आमीन। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब निस्फ शाबान की रात आया करे तो पूरी रात इबादत करो और दिन में रोजा रखो। सूरज गुरूब होने के साथ ही अल्लाह आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमा होता है और फरमाता है कि है कोई मुझसे बख्शिश तलब करने वाला, है कोई मुझसे रिस्क तलब करने वाला, मैं उसे रिस्क दूंगा। है कोई मुझसे मुश्किल में निजात तलब करने वाला, मैं उसे मुश्किल से निजात दूंगा। अल्लाह ताला हमें ऐसे मुबारक लम्हात अता फरमाता है। महज गाफिलीन कीमती घड़ियों को ज़ाया कर देते हैं। या रब, अगर हम गाफिल हैं तो हमें अपनी रहमत से सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन। हमें साले अमल करने वालों की सोबत अता फरमा। आमीन। हमें उन लोगों में शामिल कर ले जो तुझसे मोहब्बत का दावा करते हैं। आमीन। कल रोज़े महशर हमें पैगंबर अकरम की शफात नसीब फरमा। आमीन। या अल्लाह, तू रहीम है, रहमान है, गफूर है, हकीम है, अजीज है, हमारा परवरदिगार है तू। हम तेरे बंदे हैं, गुनाहगार हैं, सरकश हैं हम। अगर हम दुनिया की फितनों की बदौलत तेरी रहमत से दूर हो गए हैं तो हमें बख्श दे मौला। आमीन। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। आमीन। खाला जान, अब रोना बंद भी करें। कानी, तुमने अपनी माँ को किस सूरत हाल में डाल दिया है। काश तुम मेरे बेटे ही ना होते। आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप हैं क्या आंसू बहा रही हैं। आपका बेटा शाही खानदान का दामाद बनने जा रहा है, और क्या चाहिए। वो लड़की मेरे बेटे को पसंद नहीं करती, जानती हूँ मैं। जब सब लोग आ जाए तो ऐसा मत बोलिएगा, वरना कानी हमें छोड़कर चला जाएगा। खुश आमदीद। शुक्रिया शहजादी। खुश आमदीद। शुक्रिया। शरबत ले आइएगा। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, और आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं सबूहा साहिबा? आप तो कुछ बीमार लग रही हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है खाला, बिल्कुल ठीक है। मैं ठीक हूँ। खाला आप सबका बहुत जिक्र करती हैं, खास तौर पर आपका नाइम सुल्तान। है ना खाला जान? बिल्कुल ठीक कहा इसने। घर में अक्सर आपको याद करती रहती हैं। आपकी खूबसूरती, आपकी नेक नामी, बस आपकी तारीफ करती रहती हैं। अक्सर याद करती हूँ मैं। हमें अंदाजा नहीं था आप हमें इतना पसंद करती हैं। मुझे भी। हाँ, पहले आपको जानती नहीं थी ना, लेकिन जब यहाँ आना जाना शुरू हुआ तो अच्छी तरह से जानने लग गई। है ना खाला जान? ऐसा ही है। शरबत क्यों नहीं आया अभी तक? दे दे। खाला जान आपके लिए तोहफा लाई है शहजादी। क्या वाकई? लेकिन आपने जहमत क्यों की? बहुत शुक्रिया आपका। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही नाजुक है ये तो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वाकई खूबसूरत है। सबूहा साहिबा आप रो क्यों रही हैं? खाला जान खुशी में रोती है। आपको यहाँ से कहाँ जाना है? कहे तो मैं आपको हिफाजत से कहीं पहुँचा सकता हूँ। कहीं नहीं जाना मुझे। क्या मतलब? कहीं भी नहीं जाऊंगी मैं, यहीं रहूंगी। आप यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन क्यों? हमारी जिंदगी में और हमारे घर में आपकी कोई जगह नहीं। तो आपको जगह बनानी पड़ेगी कमांडर। मैं अपने भांजे को इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा लीना, आप यहाँ नहीं रह सकती। मैंने कह दिया मैं यहीं रहूंगी। खैर तो है कमांडर? ये पाया तख्त कैसे आई उस्मान? कौन कमांडर? लीना। लीना पाया तख्त कैसे आ सकती है? ये लोग मुझे और हैरिये को हमेशा परेशान ही करते रहे, और वैसे भी इनका ताल्लुक उस आर्मीनी कबीले से है जिसने हमारी रियासत के खिलाफ बगावत की। मैंने इसे और इसके वालिदैन को जिला वतन करवा के अदरना भेज दिया था, और ये लोग जिंदगी भर के लिए वहां रहने पर मजबूर थे। फिर यह पाया तख्त कैसे आ गई? कैसे? नरवा, तुम्हारे लोग तैयार हैं? क्या करना है हमें? अशरफ अजीज पर हमला, वो भी पैर दर पैर। मुझे इसी वक्त का इंतजार था जब मैं अशरफ की अपने हाथों से जान लूंगा। अभी नहीं, अभी उसे कत्ल नहीं करना, सिर्फ उस पर हमला करना है, उसे इश्तियाल दिलाना है। अशरफ ने मेरा बहुत नुकसान किया है मिका, अब उससे इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। उसे मेरे लिए छोड़ दो। तुम उसके घर और कहवा खाने में आते जाते हो, राब्ते में हो उसके साथ। अशरफ मरेगा, लेकिन जब मैं चाहूंगा तब। अभी उसके पास मेरी एक चीज है, पहले मैं वो लूंगा। जैसे मैं उस लड़की को तुम्हारे पास लेकर आया, उसी तरह अशरफ को भी ले आऊंगा। लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दो, पहले मैं अपना हिसाब बराबर कर लूं, फिर अशरफ तुम्हारा। अब आप दोनों ये सोच रही होंगी कि हमने अचानक आप दोनों को यहां क्यों बुलाया। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं, हम यही बात सोच रहे थे बाबा जान। और हमें लगा आप चाहते हैं कि नाइम सुल्तान भी हमारे साथ बैठकर तुर्क कहवा पिया करें सुल्तानी मौसम। काश कि हम एक प्याली तुर्क कहवे से अपनी औलाद के तमाम मसाइल हल कर पाते। हमें किसी मसले का सामना नहीं, अल्लाह का शुक्र है। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि बेसुकूनी और तकलीफ हमारे किसी गुनाह के सबब ही आती है, और आपको मालूम होगा कि सुकून तो सिर्फ इबादत में ही है। इसका मतलब तो यह है कि आपकी इबादत खालिस और हकीकी है। जी, हम कोशिश करते हैं कि इस माह में ज्यादा से ज्यादा वक्त इबादत में गुजारें। क्या वाकई? तो फिर हमारे फैसले से आपके लिए मजीद आसानी हो जाएगी। आपको इबादत के लिए मजीद वक्त दस्तियाब हो जाएगा। आज से हरम के तमाम इंतजामात मलिका ही संभालेंगी। हम हरम के इंतजामात की वजह से अपनी इबादत में कमी आने नहीं देते, और वैसे भी सालिहा सुल्तान को हरम के इंतजामात का ज्यादा तजुर्बा नहीं है। हम ऐसा नहीं सोचते। मलिका हरम का निजाम बहुत ऐसन तरीके से संभाल सकती हैं। जी बिल्कुल सुल्तानी मौसम, जैसा आप चाहें। क्या आपने ये फैसला हमारे सालिहा सुल्तान के साथ मामलात और जो हम हिस्से बाजार में रकम हार गए हैं उसकी वजह से किया है बाबा जान? शायद आप हरम के इंतजामात की वजह से खुद को वक्त नहीं दे पा रही बेटी, इसीलिए आपने लापरवाही बरती, इसीलिए आपने ऐसी गलतियां की। अब आप पर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी होगी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप आइंदा ऐसी गलती नहीं दोहराएंगी। आपने अंदर जो कुछ भी कहा, आप उस बारे में हक पर हैं, वो सब सच है। हमें हरम के इंतजामात का तजुर्बा नहीं है, ना ही यहाँ आए ज़्यादा वक्त हुआ है। हम आपका मशवरा और तजुर्बा चाहते हैं, और अगर आप इस मामले में हमारी मदद करेंगी तो यह हमारे लिए खुशी की बात है। आप तो कभी ऐसा नहीं करेंगी, लेकिन हम आपसे हमेशा सच कहेंगे सालिहा सुल्तान। हम कभी भी आपकी मदद नहीं करेंगे ताकि आप कामयाबी से हरम के इंतजामात ना संभाल पाएँ। हमें लगा था कि अब तक आपके दिल में मौजूद हमारे लिए इख्तलाफात साफ हो चुके होंगे। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हर आने वाला दिन हम पर यह जाहिर करता है जो हम आपके बारे में सोच रहे थे वो ठीक था। आपने हरम का निजाम भी अपने हाथ में ले लिया और बाबा की नजरों से गिरा कर रख दिया हमें। आप बड़ी चालाकी से अपने मकसद में कामयाब हो गई। हम आपको याद दिलाते चले, ये सब हमारी वजह से नहीं बल्कि आपकी गलतियों की वजह से है। फिर आपने फौरन मौके का फायदा उठाकर बाबा से हरम के इंतजाम संभालने की बात की। हमें भी आज आप ही के सामने मालूम हुआ है कि सुल्तान मौसम ऐसा चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही होगा। हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं नाइम सुल्तान। हमें आपकी मदद या फिर मोहब्बत की बिल्कुल जरूरत नहीं है सालिहा सुल्तान। हम बस ये चाहते हैं कि आप चली जाएं। आप देख सकते हैं कि आज आपको सिर्फ गोश्त पेश किया गया है। दरअसल मैं यहूदी शरीयत को पढ़ता हूँ, उस पर बहुत तहकीक करके और उस पर अमल करता हूँ। यहूदी शरीयत में अगर खाने की मेज पर गोश्त की बनी कोई चीज हो तो फिर दूध वाली कोई चीज नहीं रखी जाती। मैंने भी वही किया है। जनाब कसल, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, गोश्त और दूध की मुमानियत वगैरह। आपने जो मिसाल बयान की है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है। मैं खुद यहूदी शरीयत पर अमल करना पसंद करता हूँ, जरूरी नहीं कि आप भी करें। आप लोगों के मजहब में कवानीन अक्सर इसके बरक्स हैं। खैर, इस कॉल को किसी और मायने में भी लिया जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी खतरे वाली बात हो तो हमें फौरी तौर पर उस अमल से पीछे हट जाना चाहिए, ताकि किसी भी अहम मामले में इंसान खुद को खतरे में न डाले, और अगर आपके अपने लोग खतरे में हो तो उनका बचाव करें। यहूदी अकायद में इसकी बहुत अहमियत है, और इसीलिए हमारी शरीयत के मुताबिक अक्सर ये कहा जाता है कि दूध और गोश्त को कभी भी नहीं मिलाना चाहिए। शुरू कीजिए। सबसे पहले मैं अब उस बारे में आप लोगों को मालूमात देना चाहता हूँ जिसके लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। महल में मैंने आज अखबार में शाया होने वाली एक सुर्खी देखी जिसका हुक्म सुल्तान ने बजाते खुद दिया है। खबर के मुताबिक कोई मिहाल नामी हमारा मेसन भाई बेनकाब हो चुका है। इसका मतलब हुआ कि किसी ने उस मिहाल की मुखबरी की है। जी हाँ, मुझे लगता है कि वो शख्स सलीम पाशा ही है। टेलीग्राफ लाइन इन दिनों कुछ खराब हैं, जिसकी वजह से मेरा राब्ता नहीं हो पा रहा, लेकिन मैंने फिर भी उनसे राब्ता करने की कई बार कोशिश की, ताहम नाकाम रहा। इसके अलावा मुझे लगता है कि नजीब पाशा के पाया तख्त आने वाले मामले का ताल्लुक भी इसी बात से है। पहन के देखूंगा। ठीक है पाशा, बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। दूसरा वाला भी दे। ये ले पाशा। पाशा, एक और रंग में ये जूता मौजूद है, अगर आप कहें तो दिखाऊं। हाँ, वो भी दिखा दो। हमें इस मामले में शक हुआ और फिर फौरन हमने इस्सत पाशा को कहा कि आप नजीब पाशा का ताकुब करें, और इस्सत पाशा की दी गई मालूमात ने मेरे शकूक व शुबात में इजाफा कर दिया। क्या ताकुब के दौरान कोई काबिल गौर बात सामने आई जनाब कसल? बिल्कुल आई है। नजीब पाशा की दाढ़ी इस माल्टे के छिलके की तरह उतर गई थी। यानी नजीब पाशा ने मस्नूई दाढ़ी लगाई हुई थी। यह जरूर सुल्तान का मंसूबा है। हो सकता है कि सुल्तान ने किसी और को नजीब पाशा बना रखा हो, या शायद किसी को मजबूर किया हो ऐसा करने पर। और वैसे भी हम में से कोई भी नजीब पाशा को नहीं पहचानता। मगर हम इस मामले में शक को दूर कैसे करें? लोगों का हुलिया बदलने वाला एक शख्स है, सुल्तान उससे अक्सर ऐसे काम लेता है। मैं जाकर उस शख्स से मालूम करने की कोशिश करता हूं। फिर हमें आपकी तरफ से जवाब का इंतजार रहेगा अहमद पाशा। आप जाकर मालूम करें। जरूर ये कोई ना कोई चाल है जिसमें वो अब्दुल हमीद हमें बुरी तरह फंसाना चाहता है। मुझे लगता है कि अहमद पाशा और इस्सत पाशा से शायद वो किसी भी गलती की तवक्को कर रहा है। ठीक है, मैं मालूमात हासिल करता हूं उस शख्स से, और आप नजीब पाशा से राब्ता करें और किसी महफूज जगह पर जाकर उनसे बात करने की कोशिश करें। पूछगछ करें उनसे कि क्या वाकई अब्दुल हमीद उन्हें किसी वजह से मजबूर कर रहा है, जैसे अहमद पाशा ने कहा। एक छोटा सा सुराग मिल जाए तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि अभी मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं। सुल्तान मौसम, आइए बेटे। सलीम नजीब पाशा के भेस पे वजीर आजम पाशा के सामने गए थे, लेकिन उन्होंने कोई खास रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, इसीलिए वो भी शक की फहरिस्त से निकल गए हैं। हमें इन सब पाशा हजरात के गद्दार न होने पर खुश होना चाहिए या फिर परेशान। सुल्तान मौसम, अल्लाह हमारी मुश्किल आसान करे। आमीन पाशा, लेकिन हमें अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। ये तमाम पाशा बेकसूर साबित हो रहे हैं, जबकि हर गुजरते लम्हे के साथ हम गद्दार के नजदीक तर होते चले जा रहे हैं। बहुत जल्द कोई हकीकी नतीजा सामने आ जाएगा और हमें मालूम हो जाएगा कि हमने इतने काबिल एहतराम मनसब पर किस गद्दार को बैठा रखा था। हमें दुख है कि वो नाम किसी करीबी का होगा, लेकिन हमें अपनी कौम और रियासत की भलाई के लिए इस राज को बेनकाब करना ही होगा, चाहे इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े। हमें तहकीक करके हर शक व इम्कान से गुजर के हर सूरत उस गद्दार को तलाश करना होगा। हम करेंगे सुल्तान मौसम। अब बारी इस्सत पाशा की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मालिकियान उस्ताद से मिलना है मुझे। कहाँ है वो? मैं बुलाता हूँ। उस्ताद आपसे कोई मिलने आए हैं। ओह अहमद पाशा, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया मालिकियान उस्ताद, मैं जल्दी में हूँ, आपसे एक जरूरी काम है मुझे। हुक्म कीजिए। मालिकियान उस्ताद, सुल्तान मौसम ने हाल ही में आपको एक शख्स का हुलिया तब्दील करने के लिए कहा था। जी ऐसा ही है। क्या नाम था उसका? सलीम पाशा। हाँ सलीम पाशा। दरअसल उनकी जो दाढ़ी आपने लगाई थी वो बार बार निकले जा रही है। कोई अच्छा महलूल दीजिए उसे चिपकाने के लिए। अभी लाता हूँ पाशा। बहुत शुक्रिया। सलीम पाशा। ये सारा काम खत्म हो गया। ये काम तो हो गया, मगर हमें खातून को यहाँ से भेजना होगा कमांडर, कहीं अली उस्मान को उनकी आदत ना हो जाए। खाला तो माँ का रूप होती है, सुना नहीं है तुमने? ये बात करके मुझे गुस्सा मत दिलाएं। क्या मुहाफिजों की तादाद बढ़ा दी है? जी कमांडर, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, चारों अतराफ में तैनात कर दिए हैं। ठीक है, मुझे जाने दे, मैं अशरफ अजीज साहब को जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं। दरवाजा खोले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपको इस जगह का इल्म कैसे हुआ इसाक साहब? मैं आपके घर गया था, आप वहां नहीं थे। हवेली गया, वहां पर भी नहीं थे। फिर मैं कहवा खाने गया, उन्होंने बताया कि आप यहाँ हैं, तो मैं यहाँ आ गया। लेकिन क्यों? क्या मैंने आपसे कहा नहीं था कि अली उस्मान के इलाज के लिए अब हमें आपकी जरूरत नहीं? आपने कहा था अशरफ साहब, कहा था, लेकिन मुझे अली उस्मान की फिक्र हो रही थी। वो इतना प्यारा बच्चा है, मैं चाहता हूँ कि वो ठीक हो जाए। मेरा फैसला हतमी है इसाक साहब। देखें अशरफ साहब, आप मुझे कुछ दिनों के लिए इलाज जारी रखने की इजाजत दीजिए। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। बाहर देखो उस्मान। अशरफ भाई। डरो नहीं, अंदर जाओ, खिड़की और दरवाजे से दूर रहना। इस मंसूबे के आखिर में तुम्हारा ही नुकसान होगा मिका। वापस चलो। इन्होंने आपका ताकुब किया। आखिरकार इंसाफ हो गया सुल्ताना। इन लोगों ने आपको महल से निकालने के लिए बहुत मंसूबे बनाए, मगर आखिर नुकसान इनका अपना ही हुआ, और आपने सुल्तान मौजम की नजर में अपना मुकाम हासिल कर लिया। अल्लाह का शुक्र है, हम सुल्तान मुअज़्ज़म की तरफ से दी गई तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। इंशाल्लाह सुल्ताना, मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा यकीन है, मगर आप ज्यादा खुश नजर नहीं आ रही। क्या आप किसी वजह से परेशान हैं? नाइम सुल्तान के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि हरम की जिम्मेदारियां हमें दे दी गईं। उन्हें राजी करना मुश्किल होगा। वो कभी भी ये कबूल नहीं कर सकेंगी। सालिहा सुल्तान, फातिमा सुल्तान, आप मसरूफ तो नहीं थी ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप आइए ना। आप हम दोनों के लिए तुर्क कहवा ले आइए। मिसाल खादमा खड़ी क्यों है? तशरीफ रखिए ना। शुक्रिया। क्या आपके पास थोड़ा वक्त होगा? हम असल में आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहे थे। शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें आपके आने से बेहद खुशी हुई। अच्छा हुआ कि आप आ गईं। अगर आप हमें खबरदार न करती तो शायद हम आलिया को न रोक पाते, और कौन जाने वो शख्स उन्हें कहाँ ले जाता। शायद हम दोबारा कभी उन्हें देख भी ना पाते। आलिया सुल्तान बहुत खुशकिस्मत हैं कि उनके पास आप जैसी बहन है। हमें नहीं लगता कि वो अभी ऐसा सोच रही होंगी। वो तो हमसे नफरत करने लगी है। आप बिल्कुल परेशान मत हो, वो बहुत जल्द आपको समझ जाएंगी और खुद को बदल लेंगी, इंशाल्लाह। क्या आपने सुल्तानी मौसम को इस मामले से आगाह कर दिया? जी बिल्कुल। आलिया को धोखा देने वाला शख्स जिंदान में है। उससे तफ्तीश की जाएगी कि वो ये सब किसके कहने पर कर रहा है। आप इस अरसे में आलिया को समझाती रहिएगा। फिलहाल हमने उनको उनके कमरे में कैद कर दिया है। आप अपनी बहन की भलाई चाहती हैं, इसीलिए ये सब कर रही हैं। हम जानते हैं, फिक्र मत कीजिए। हम वाकई आपके बहुत मशकूर हैं सालिहा सुल्तान। आपने इस मामले का किसी से तस्करा नहीं किया और हमारी बहन की मदद भी की। हम आपके शुक्रगुजार हैं। हम बस अपनी खामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जो किसी मुसलमान के एक ऐप पर पर्दा रखेगा तो अल्लाह ताला उसके ऐबों पर भी पर्दा रखेंगे। मुराद साहब, एक अजीम सुल्तान थे वो। काश वो तख्त पे रहते, लेकिन नसीब में नहीं था ये। वो बहुत होशियार और ज़हीन इंसान थे। बहुत मोहब्बत थी उनसे। वो भी मुझसे प्यार करते थे। काश वो अपनी गलतियों का शिकार ना होते और तख्त पर बैठे रहते तो एक बहुत अच्छे सुल्तान होते। किस तरह की गलतियां? वक्त आने पर तुम जान जाओगे। बाबा, ये किस तरह का रवैया है आपका? किसी चीज की वजाहत नहीं कर रहे आप। मैंने कहा ना, वक्त आने पर तुम सब कुछ जान जाओगे सब हाथ तीन, लेकिन अभी इसका वक्त नहीं आया। फिलहाल एक दूसरा मसला हल करना है। मैं चाहता हूं तुम उसमें मेरी मदद करो, समझे? होटल में एक आदमी है, तुम्हें उससे राब्ता करना है और उसे सबकी नजरों से छुपाकर मेरे पास लाना है। कौन है वो आदमी और मैं कैसे कॉल करूंगा उसे? ये लिफाफा उसे दे देना, इतना ही काफी है। वो दौड़ता हुआ चला आएगा, लेकिन मोहतात रहना। वो एक अहम शख्स है, उसका ताकुब किया जा रहा होगा। चलो चले। मैंने सब मालूम कर लिया जनाब कसल। नजीब पाशा का रूप धारने वाला आदमी सलीम पाशा है। क्या आपको यकीन है? जी मुझे यकीन है। ये बात मुझे उस शख्स ने बताई है जिसने सलीम पाशा का हुलिया बदला था। उसने मसनूई दाढ़ी लगाई थी सलीम पाशा की। सुल्तान ने सलीम पाशा को नजीब बनाकर हमारे सामने पेश किया। जनाब कारासूर सलीम पाशा से राब्ता क्यों नहीं कर पाए, अब यह बात समझ आ गई। इज्जत पाशा उससे मुलाकात करने गए हैं। हमें इज्जत पाशा को रोकना होगा। जाए उनके पास। क्या आपके पास उनके बारे में मालूमात है कि वो कहाँ मिलेंगे? वो एक कहवा खाने में नजीब पाशा से मिलने गए हैं। क्या अली उस्मान की जिंदगी भी अपनी वालिदा की तरह गुजरेगी, यानी कि यही गोलियों और बम धमाकों के दरमियान? मैंने आपकी बहन को किसी गोली का शिकार नहीं होने दिया, बेटे को भी नहीं होने दूंगा। बेफिक्र रहिए आप। मगर इन गोलियों की दहशत का क्या होगा? क्या आप इस पर काबू पा सकते हैं? बच्चे की आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। एक तरफ उसका बाप दुश्मनों से लड़ रहा है और दूसरी तरफ बच्चा तबीबों के रहमो करम पर अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। उसकी सेहत और जिंदगी खतरे में है। आप लोग उसका ख्याल भी नहीं रखते। हम अली उस्मान का बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रहे हैं। मुझे आपसे कोई मसला नहीं है। मैं आपके बारे में बात भी नहीं कर रही। उस बच्चे को एक पुरसुकून जिंदगी और बेहतर इलाज की जरूरत है। मैं उसे साथ ले जाऊंगी। जरूरत पड़ी तो उसे यूरोप ले जाऊंगी। मैं उसे किसी गोली या बीमारी का शिकार होकर मरने नहीं दूंगी। मेरे साथ रहना उसके लिए अच्छा साबित होगा। आपको अंदाजा भी है कि आप क्या कह रही हैं? मेरे बेटे को मुझसे कोई दूर नहीं ले जा सकता। दुरुस्त कहा। आप रोज मौत के मुंह से लौट कर आते हैं। बस आपको इस बात का इदराक नहीं है। हमारे आदमियों को मामूली जख्म आए हैं कमांडर, बाकी सब ठीक है। लेकिन सिर्फ अगले हमले तक। लड़ाई करो मुझसे। छोड़ो मुझे। अभी बताता हूँ तुम्हें। छोड़ो मुझे। अशरफ अजीज साहब यहां हैं? जी हां, फरमाइए। आपके बारे में शिकायत मौसूल हुई है। हमें मालूम हुआ है कि आप अपने बेटे अली उस्मान की अच्छी तरह से देखभाल नहीं कर रहे। हम इस मामले की तहकीक के लिए आए हैं। बताएं पाशा, अचानक से क्या हो गया? इस तुम जिस शख्स से मिलने के लिए जा रहे थे वो सलीम पाशा है। तुम्हें बताने का मौका नहीं मिला, इसलिए मुझे तुम पर हाथ उठाना पड़ा। वो शख्स सलीम पाशा है? बिल्कुल। सुल्तान ने उसका हुलिया बदलकर हमारे लिए जाल बिछाया है, और अगर तुम सलीम पाशा के पास जाकर कोई भी बात करते तो तुम आश्कार हो जाते और हम सब पकड़े जाते। अब अगर सुल्तान ने इस झगड़े की वजह से हमें अपने पास बुलाया तो समझ लेना कि सलीम पाशा के पीछे जासूस मौजूद है। तो फिर हम पर यह बात बिल्कुल वाजे हो जाएगी कि अब्दुल हमीद ने सलीम पाशा को इस्तेमाल करके हमारे खिलाफ चाल चली। सुल्तान मौसम, आइए बेटे। इसद पाशा की मुलाकात हो गई है? जी सुल्तान मौसम। क्या मेसन पाशा वो है? अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि मंसूबे में एक रुकावट आ गई। कैसी रुकावट? अहमद पाशा और इसद पाशा का ऐन मौके पर झगड़ा हो गया। किस वजह से? वजह तो हम भी नहीं जानते सुल्तान मौसम। इसद पाशा अपनी जगह से खड़े होकर सलीम पाशा की जानिब जा रहे थे। उसी वक्त अहमद पाशा अंदर दाखिल हुए और आते ही इसद पाशा को मारना शुरू कर दिया। फिर दोनों ही झगड़ने लग गए। ये सूरत हाल देखकर सलीम पाशा चले गए वहां से। उन दोनों को यहां बुलाइए। जो हुक्म सुल्तान मौसम। इन निशानात की भी तस्वीर बना लो, इनकी भी। ये डाकुओं का काम है। आस पड़ोस के लोगों ने हमें बताया है कि यहाँ क्या हुआ है अशरफ साहब। हमें मालूम है इनके बेटे की सेहत ठीक नहीं, उसे मुकम्मल इलाज की जरूरत है। यहाँ इलाज मुमकिन नहीं, उसका इलाज अभी जारी है जनाब। बस जरा वक्फा लिया है। तबीब साहब भी सूरत हाल से आगाह है। आप क्या काम करते हैं? मैं एक दुकानदार हूँ। किस दुकानदार के घर पर सुबह शाम डाकू हमला करते हैं? किस दुकानदार के घर के बाहर असलहा लिए मुहाफिज खड़े होते हैं? किस चीज की दुकान है आपकी? कहवा खाना। अशरफ बाबा, अशरफ बाबा। क्या हुआ है बेटा? कहवा खाने को आग लगा दी है, जल्दी चलें। अली उस्मान के पास जाओ। चलो। अशरफ भाई को मालूम हुआ तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। मैं ये अपने भांजे के लिए कर रही हूँ। आग बुझाओ, आग बुझाओ, जल्दी करो, पानी लेकर आओ। आग लग गई है कहवा खाने में, आग, जल्दी करो, पानी लेकर आओ। अरे देखो देखो, अशरफ साहब आ गए, अशरफ साहब आ गए। लाओ पानी, जल्दी करो। अरे कोई पानी लाओ, जल्दी करो, जल्दी पानी लाओ। हटो हटो, जल्दी हटो, सामने से हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, हटो। उस्मान, इधर आओ। आग बुझाने वाले रजाकारों को खबर कर दी है, वो आते ही होंगे। ये सब कैसे हुआ उस्मान? उन बदबख्तों ने यहाँ आकर आग लगाई और फिर चले गए। अशरफ साहब, हम तुम्हारे अपनों को मार डालेंगे अशरफ अजीज। हमें मालूम हुआ कि आप दोनों ने कहवा खाने में तमाम लोगों के सामने झगड़ना शुरू कर दिया। क्या ये सच है? ये सच है सुल्तान मौजूद। मैं अहमद पाशा से। पाशा सिर्फ हमारे सवाल का जवाब दीजिए, झगड़ा किसने शुरू किया था? मैंने सुल्तान मौसम। इसकी वजह क्या थी? सुल्तान मौसम, अस्करी माल की फराहमी के हवाले से एक दस्तावेज मेरे हाथ लगी। इस्सत पाशा ने उस दस्तावेज पर मेरी इजाजत के बगैर दस्तखत कर दिए थे, और जब मैंने पाशा, हमने कहा सिर्फ हमारे सवाल का जवाब दीजिए। अगर आपको कोई ऐसी दस्तावेज मिली जिस पर आपको कोई एतराज था तो क्या आपको पहले हमें आगाह नहीं करना चाहिए था? आप बजा फरमा रहे हैं। मैंने जल्दबाजी से काम लिया। हमें चारों तरफ से दुश्मन का सामना है और गद्दार हमारी जड़ों में बैठे हुए हैं, और रियासत के दो पाशा अवाम के सामने झगड़ा शुरू कर देते हैं। क्या ये शर्म की बात नहीं है? ठीक कह रहे हैं आप सुल्तान मौसम। माफी चाहते हैं हम। सुलह कीजिए। सुल्तान मौसम हम इस बारे में आशा क्या आपने सुना नहीं? अभी हमारे सामने ही सुलह कीजिए। मुझे माफ कर दीजिए पाशा। माफ किया पाशा। ठीक है। मोहब्बत की है हमने। उस जिंदान में मौजूद शख्स से। आप ठीक समझी। अपने भांजे को लेने आई हूं मैं। यह अदालती हुक्मनामा है, देख लीजिए। क्या कर रहे हो तुम?